दोस्तों आज मैं आपको जबरदस्त हॉरर मूवी रिंग 3 की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने रिंग 1 और रिंग 2 नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि इन मूवीज में एक वीडियो टेप होता है जो एक बार किसी ने देख लिया तो उसकी मौत 7 दिन में निश्चित है, या 7 दिन से पहले उसने यह मूवी किसी और को दिखा दिया तो वो बच जाता है। ये वीडियो टेप समारा नाम की चुड़ैल के बारे में है जो अपनी कहानी सबको बताना चाहती है। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी फ्लाइट में बैठा हुआ है जिसने यह वीडियो टेप देख रखी हुई है, लेकिन उसने इस वीडियो टेप की कॉपी किसी को अभी तक नहीं दी है और उसके 7 दिन पूरे भी हो चुके हैं, तो समारा उसे मार देती है। फिर कहानी 2 साल बाद शुरू होती है जिसमें एक प्रोफेसर उस फ्लाइट वाले बंदे का सामान खरीदता है जिसमें उसे वो टेप भी मिलता है जिसे वो देख लेता है, और तभी फोन की घंटी बजती है और समारा बोलती है उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जूलिया और हॉल्ट को जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। हॉल्ट कॉलेज जा रहा होता है और जूलिया काफी दुखी होती है। काफी दिन बीतने के बाद रात में जूलिया को हॉल्ट के बारे में सपना आता है और वह घबराकर उठ जाती है। तभी हॉल्ट की स्काइप पर कॉल आती है, लेकिन कॉल एक लड़की उठाती है और कहती है हॉल्ट बच नहीं सकता। यह सुनकर जूलिया काफी घबरा जाती है और हॉल्ट को कॉल लगाती है, पर हॉल्ट फोन नहीं उठाता। तभी जूलिया रात में हॉल्ट के कॉलेज की तरफ निकलती है। वहां वो हॉल्ट को ढूंढते हुए एक क्लास में पहुंचती है। उस क्लास में वही प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने वह टेप देख रखा है। जूलिया उस प्रोफेसर से हॉल्ट के बारे में पूछती है, लेकिन प्रोफेसर उसे सीधे जवाब नहीं देता है और वहां से चला जाता है। जूलिया प्रोफेसर का पीछा करते हुए एक फ्लोर पर पहुंचती है जहां वो उसी लड़की को देखती है जिसने उसे स्काइप पर देखा था। असल में उस लड़की ने वीडियो टेप देख रखा है और उसके 7 दिन पूरे होने वाले हैं। वह बहुत परेशान होती है। जूलिया उस लड़की का पीछा करती है और उससे हॉल्ट के बारे में पूछती है, और वो लड़की कहती है कि उसे एक वीडियो देखनी होगी, फिर वो समझ जाएगी। हम देखते हैं कि उसे जूलिया के रूप में एक बकरा मिल गया है। जब वो लड़की उस वीडियो टेप की कॉपी कर रही होती है तभी उसके फोन पर हॉल्ट का मैसेज आता है, बट उसे जूलिया पकड़ लेती है और हॉल्ट को रिप्लाई करती है कि वह जूलिया है। तभी हॉल्ट उसे कोई भी वीडियो देखने के लिए मना करता है। इसके बाद जूलिया और उस लड़की के बीच में हाथापाई होती है और तभी वहां पर समारा आ जाती है और उस लड़की को मार देती है। जूलिया ने डायरेक्टली तो कुछ नहीं देखा, पर वो डर बहुत जाती है। उसके बाद वहां पर हॉल्ट आ जाता है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं। हॉल्ट जूलिया को उस टेप के बारे में बताता है जिसे सुनकर जूलिया काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि हॉल्ट ने उस वीडियो को देख रखा है और उसने उस वीडियो की कॉपी भी किसी को नहीं दिखाई है। जूलिया यह सब सोचते हुए हॉल्ट की कॉपी को देख लेती है, क्योंकि वो हॉल्ट को हर हाल में बचाना चाहती है। जब जूलिया वीडियो को देख लेती है तभी उसका फोन बजता है, और जब फोन उठाती है तभी आवाज आती। उसी वक्त जूलिया को कुछ सपने आते हैं कि वह कमरे की तरफ बढ़ रही है, और जैसे ही वह कमरे को खोलती है तो उसका हाथ जल जाता है और उसके हाथ में एक अजीब सा निशान बन जाता है। अब हॉल्ट को भी पता चल जाता है कि जूलिया ने इस वीडियो को देख लिया है। उसके बाद हॉल्ट और जूलिया प्रोफेसर के पास जाते हैं। रास्ते में जूलिया एक मरे हुए पक्षी को देखती है। हॉल्ट प्रोफेसर को बताता है कि जूलिया को पहले ही दिन ये निशान आ गया है, जबकि उसे यह निशान 5वें दिन आना था। प्रोफेसर जूलिया के हाथ का स्कैन कर लेते हैं। प्रोफेसर उन दोनों को बताते हैं कि वह इस प्रोजेक्ट पर काफी दिनों से काम कर रहे हैं। वह समारा से रिलेटेड बहुत कुछ सर्च कर चुके हैं और इस बात की तरफ पॉइंट करते हैं कि कैसे एक आत्मा एक नए शरीर की तलाश में रहती है। प्रोफेसर जूलिया को इस टेप की कॉपी बनाकर किसी और को दिखाने के लिए कहते हैं, पर जूलिया मना कर देती है क्योंकि वह किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहती, लेकिन हॉल्ट के जोर देने पर जूलिया मान जाती है। उसके बाद जब जूलिया वीडियो की कॉपी करने की कोशिश करती है तो वो कॉपी नहीं हो पाती। इससे पता चलता है कि इस बार वीडियो टेप पहले की टेप से अलग है और उसका साइज भी अलग होता है। उसमें क्या अलग है ये जानने के लिए जूलिया उस टेप को अकेले में देखती है और जानने की कोशिश करती है कि इस वीडियो में अलग क्या है। उन एडिशनल सीन्स को वो देखती है जिसमें एक चर्च, एक पिंजरा, एक जलती हुई लाश, एक झिंगरों से बना हुआ क्रॉस, एक लड़की, और वह देखती है कि चर्च के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जैसा डिस्क्रिप्शन में जूलिया चर्च के बारे में बताती है, उसे सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि उसी चर्च में समारा को दफनाया गया होगा। असल में यह सब सुनने के बाद जूलिया समारा की मदद करना चाहती है। जूलिया यह जानना चाहती है कि समारा ऐसा क्यों कर रही है।
प्रोफेसर चर्च का एड्रेस बताता है। प्रोफेसर जूलिया और हॉल्ट को लेकर चर्च की तरफ निकल जाते हैं। तभी प्रोफेसर को पता चलता है कि पुलिस उससे पूछताछ करने वाली है, क्योंकि पुलिस को वह लाश मिलती है जिसे समारा ने मारा था। लेकिन पुलिस को शक है कि उसे प्रोफेसर ने मारा है। प्रोफेसर अपनी सारी रिसर्च जूलिया को दे देते हैं। उसके बाद हॉल्ट और जूलिया वहां से चले जाते हैं। रास्ते में जूलिया समारा के बारे में पढ़ती है कि समारा किसी को रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। कोई नहीं जानता कि उसके माँ बाप कौन है और वो कहाँ से आई है। उसके बाद किसी ने समारा को गोद लिया था। बाद में उस फैमिली को पता चला कि वो लड़की कुछ अजीब सी है। उस फैमिली ने समारा को मारने की कोशिश की और उसे कुएं में फेंक दिया, और समारा वहां पर 7 दिन तक जिंदा रही। उसकी लाश बहुत समय बाद मिली और उसे चर्च में दफना दिया गया। दोस्तों, यह स्टोरी हमने रिंग 1 और रिंग 2 में भी देखी है। रास्ते में जूलिया को एक प्रेग्नेंट औरत भी दिखती है। उसके बाद जूलिया और हॉल्ट एक होटल में रुकते हैं। जूलिया होटल में एक फोटो देखती है और जूलिया उस होटल की मालकिन से उस फोटो के बारे में पूछती है। होटल की मालकिन बताती है कि फोटो के बीच वाली लड़की उसकी भतीजी है, लेकिन जूलिया उससे वायलिन वाली लड़की के बारे में पूछती है। मालकिन बताती है कि वह एवलिन है। जूलिया बताती है कि उसने उसे रास्ते में देखा था, लेकिन मालकिन बताती है कि वह लड़की 30 साल पहले गायब हो चुकी है। ये नामुमकिन है। होटल की मालकिन भी इस बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करती है और वहां से चली जाती है। फिर हॉल्ट और जूलिया चर्च की तरफ जाते हैं। वहां पर जूलिया को अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। फिर हॉल्ट एक आदमी से उस चर्च के बारे में पूछता है। वह बताता है कि इस जगह पर 30 साल पहले एक बाघ आई थी और अब इस जगह पर जिंदा लोगों से ज्यादा मुर्दा लोग रहते हैं। इस बीच जूलिया चर्च के ऊपर पक्षियों के उड़ते हुए देखती है, जो बिल्कुल वीडियो टेप की तरह लग रहे होते हैं। वो आदमी उस जगह पर ना रुकने के लिए भी कहता है, लेकिन जूलिया को यह एहसास होता है कि समारा की लाश को इस कब्रिस्तान में लाया गया था और वह उसकी कब्र ढूंढने जाती है। इसी बीच प्रोफेसर जूलिया के हाथ में जो मैसेज है उसका पता लगा लेते हैं और जूलिया और हॉल्ट से मिलने चल देते हैं। इसी बीच जूलिया को समारा की कब्र मिल जाती है, लेकिन कब्र के अंदर कुछ भी नहीं होता। लेकिन कब्र की दीवार पर कुछ लिखा मिलता है कि वो तुम्हें ढूंढ लेगी जूलिया, और कब्र बाहर से बंद हो जाती है। वहां पर उसके फोन पर वही टेप चल जाती है और जूलिया को कुछ अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं, जिसके तुरंत बाद हॉल्ट उसे बाहर खींच लेता है। इसके बाद एक आदमी जूलिया और हॉल्ट को गैलनबर्ग नाम के एक आदमी के पास ले जाते हैं। वो इस जगह का केयरटेकर होता है और वो अंधा भी होता है। वो बताता है कि उसके एक पादरी ने समारा की लाश को चर्च में दफनाया था। गैलन बताता है कि उसने भी जूलिया की तरह समारा की मदद करने की कोशिश की थी। उसने भी उस कब्र में कुछ दृश्य देखे थे और वह अंधा हो गया। वह बताता है कि जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो समारा की लाश को वहां से निकाल कर किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया है। गैलन जूलिया को चेतावनी देता है कि वह इस मामले में ज्यादा ना पड़े, क्योंकि वह समारा की मदद करके कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन जूलिया सच में समारा की मदद करना चाहती है। गैलन जूलिया के हाथ के घाव के बारे में सुनकर उसे चौकन्ना रहने के लिए बोलता है। जूलिया समारा की लाश ढूंढना चाहती है, लेकिन रास्ते में उसे एवलिन फिर से दिखाई देती है और वह देखती है कि रास्ते में प्रोफेसर का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रोफेसर जूलिया को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कुछ बता नहीं पाते और जूलिया के हाथ के घाव के बारे में इशारा करते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जूलिया को अब लगता है कि समारा और एवलिन के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है। इसके बाद जूलिया और हॉल्ट प्रोफेसर का सामान लेकर होटल की तरफ चले जाते हैं। हॉल्ट देखता है कि होटल की मालकिन खाने पर गई होती है। हॉल्ट उसके पीछे चला जाता है और उससे एवलिन के बारे में पूछता है। इसी बीच जूलिया हॉल्ट के कमरे में आराम कर रही होती है, तो उसे कुछ चर्च के दृश्य सामने आते हैं और उसे लगता है कि उसे चर्च दोबारा जाना चाहिए, और फिर वह चर्च चली जाती है। उसे लगता है कि चर्च में कुछ तो है जो समारा से जुड़ा हुआ है। वहां वो घंटे के नीचे की जमीन को देखती है और उसे खोदने की कोशिश करती है। वहां उसे जमीन खोदने पर एक कमरा मिलता है। दूसरी तरफ होटल की मालकिन हॉल्ट को बताती है कि समारा और एवलिन चर्च में एक म्यूजिक प्रोग्राम में एक दूसरे को जानती थी। एवलिन काफी टैलेंटेड थी, लेकिन एकदम से गायब हो गई। बाद में उसे काफी ढूंढा गया, लेकिन वह नहीं मिली। दूसरी तरफ जूलिया उसे कमरे में पहुंचती है। वहां जाकर उसे लगता है कि वहां कोई रहता था। जूलिया उस कमरे में वही दरवाजा देखती है जो उसने सपने में भी देखा था। जूलिया कमरे में जाती है और देखती है कि वहां पर जंजीरें पड़ी थी, एक बेड है, फ्रीज है। यह सब देखकर जूलिया समझ जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई रहता था। फिर वह दूसरी तरफ दीवार पर देखती है कि वहां पर किसी ने 8.5 महीने मार्क किए हैं और दीवार पर नाम लिखा होता है समारा। यहाँ पर समारा जूलिया को इस तरह से समझाती है कि वह समझ जाए कि एवलिन इसी कमरे में कैद थी और वह प्रेग्नेंट थी और वही समारा की माँ है।
दूसरी तरफ हॉल्ट होटल के मालकिन से पादरी के बारे में पूछता है जिसने समारा को दफनाया था। मालकिन बताती है कि बाद में वह अंधा हो गया था। यह बात सुनते ही हॉल्ट वहां से भागता है और होटल में पहुंचता है और उसी फोटो को देखता है जिसमें तीन लड़कियां थी जिसे जूलिया पहले बड़े ध्यान से देख रही थी। उस फोटो में हॉल्ट देखता है कि एवलन के पीछे गैलन खड़ा है। इस फोटो से हॉल्ट समझ जाता है कि गैलन ही वही पादरी है जिसने समारोह को दफनाया था और वह जल्दी से जूलिया को ढूंढने के लिए भागता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलिया गैलन के घर जाती है और वह गैलन से कहती है कि वह समझ गई है कि समारा उससे क्या कहना चाहती है। वो गैलन से पूछती है कि उस पादरी के बारे में बताए जिसने समारा को दफनाया था। यह बात सुनते ही गैलन गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर गैलन बताता है कि वह वही पादरी है जिसे वो ढूंढ रही है और उसी ने एवलन को भी कैद किया था और वह यह भी बताता है कि उसने अपने आप को अंधा कर लिया है ताकि वो समारा से बच सके। उसके बाद गैलन जूलिया को मारने लगता है। जूलिया गैलन से बोलती है कि आपने बहुत गलत किया है, वो आपकी बेटी जैसी थी, मुझे उसे आजाद करना है। गैलन जूलिया से बोलता है कि तुम उसे बचाकर कुछ हासिल नहीं कर पाओगी, ऐसा करके तुम दुनिया को खतरे में डाल रही हो, और गैलन जूलिया को मार डालना चाहता है। इसी चक्कर में जूलिया गैलन को धक्का दे देती है और गैलन वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जूलिया को एहसास होता है कि समारा उससे कुछ कहना चाहती है। वो एक कमरे में जाती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है। इसका मतलब है कि उसके 7 दिन पूरे हो चुके हैं। इतने में हॉल्ट वहां पहुंच जाता है लेकिन गैलन उसे बेहोश कर देता है। जूलिया समारा के इशारों को देखते हुए एक दीवार को खोदना शुरू करती है और उसे वहां पर समारा की लाश मिल जाती है। और इतने में पीछे से गैलन वहां पर आ जाता है और उसे मारने वाला ही होता है। तभी वहां पर समारा आ जाती है। तभी गैलन को वहां दिखने लगता है। जैसे ही गैलन समारा को देखता है गैलन की मौत हो जाती है। इसके बाद हॉल्ट और जूलिया समारा को जला देते हैं और उसे आजाद कर देते हैं। अब इन दोनों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और समारा खुश है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि हॉल्ट अपने फोन पर प्रोफेसर के मैसेज चेक करता है। प्रोफेसर अपने मैसेज में बताते हैं कि जूलिया के हाथ में जो निशान है वो ब्रेल भाषा में है। इसके बाद हॉल्ट इंटरनेट पर चेक करता है कि उस निशान का क्या मतलब है। इसके बाद जूलिया जब नहा रही होती है तो वह देखती है कि उसके हाथ का निशान गायब हो चुका है लेकिन उसके हाथ की खाल सफेद हो चुकी है। और जब वह सफेद खाल हटाती है तो उसको लगता है कि उसका हाथ जैसे समारा का हाथ हो। और उसी वक्त उसे खांसी आती है, उसके मुंह से बालों का गुच्छा निकलता है। और दूसरी तरफ हॉल्ट को उस निशान का मतलब भी पता चल जाता है जिसका मतलब होता है रीबर्थ यानी पुनर्जन्म। उसके बाद जूलिया जब अपने आप को शीशे में देखती है तो उसे शीशे पर उसके चेहरे की जगह समारा का चेहरा दिखाई देता है। और दूसरी तरफ हॉल्ट के लैपटॉप से वो वीडियो हजारों लोगों को सेंड हो जाता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। जिन लोगों को ये लास्ट सीन समझ नहीं आया उनको मैं बता देता हूँ कि जूलिया समारा में बदल गई है। यह इसलिए हुआ क्योंकि प्रोफेसर ने पहले ही बताया था कि एक आत्मा हमेशा दूसरे शरीर की तलाश में रहती है। और जब हॉल्ट के लैपटॉप से वीडियो हजारों लोगों में चली गई तो इसका मतलब है गैलन ने जूलिया को पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम समारा की मदद करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगी और तुम दुनिया को खतरे में डाल दोगी। और अंत में यही होता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।